शालोम, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम हैकल, जो तीसरी हैकल है, हैकल की तारीख क्या है और मुस्तकबिल में ये जो बनने वाली हैकल है उसके बारे में भी देखेंगे। और चूंकि ये एंड टाइम्स के वाले से भी काफ़ी हॉट टॉपिक है, लिंक भी करता है, सो इसलिए जो है ना इसको हम डिटेल देखेंगे। और ये बड़ी खूबसूरत वीडियो होने वाली है, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको इसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और हैकल बेसिकली क्या थी? हैकल जो थी ना, वो उसको हम कहते हैं कि जहाँ पे खुदावंद की पाक हजूरी आके ठहर जाती थी। घर था, मकदिस था एक, ठीक है। सो और सबसे पहले हम देखते हैं कि खैमा इज्तमा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक 3D मॉडल आपके लिए रखा हुआ है जो मेरे पास है। सो मैं आपको ये पहले दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हैकल के ऊपर। अच्छा जी, हैकल की तारीख की बात करें तो सबसे पहले जो था ना खैमा इज्तमा बनाया गया था, वहां पे जो थी खुदावंद की हजूरी सबसे पहले आई थी, जिसको शिकायना ग्लोरी कहा जाता है। और ये है हैकल का एक मॉडल। सो इस तरीके का था ये खैमा इज्तमा, इसको कहना चाहिए टैबरनेकल है एक्चुअली ये। और इसमें देखें सबसे पहले ये दरवाजा है और फिर उसके बाद ये मजबा होता था, ठीक है। ये जानवर है, सारे काहिन और सरदार काहिन और बाकी काहिन थे जो उसकी तैयारी करते थे। ये हाथ धोने वाला छोटा सा हौज होता था उधर। और फिर उसके बाद क्या था, पाक मुकाम था और उसके बाद पाक तरीन मुकाम था। सो ये मैं अगर आपको थोड़ा खोल कर दिखा दूं, सो ये पाक मुकाम आता है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो शमादान था, ठीक है, वो होता था। और फिर मेज की रोटियां होती थी, नजर की रोटियां मेज पे। फिर एक और छोटा मजबा होता था, फिर यहाँ पे पाक मुकाम आ जाता था। सो यहाँ पे लिटरली जो शिकायना ग्लोरी जिसको हम कहते हैं वो आके ठहरती थी। और ये जो था, ये सबसे पहले जो था ना बियाबान में तकरीबन 40 साल खड़ा रहा था, और सेला के मुकाम पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह के दौर में भी जो था वो उसमें भी जो था ना ये आया था, तकरीबन 43 ईयर्स सहून में भी उन्होंने खड़ा किया था। सो ये इस तरीके से, और इसकी ये तकरीबन स्किन्स भी थी अलहदा अलहदा, चार पांच स्किन्स थी जो इसको ढांप के रखती थी। सो पर इसको हम हैकल का दर्जा इसलिए भी देते हैं क्योंकि इसमें लिटरली खुदावंद की हजूरी आकर ठहरती थी। सो ये खैमा इज्तमा था, मिशकान थी, टैबरनेकल थी जहां पे हजूरी होती थी। और उसके बाद सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई, ठीक है, 975 में, और इसको ढा दिया था नबूकदनज़र ने आके, हम सब जानते हैं 586 कबल अज़ मसीह में। उसके बाद जो दूसरी हैकल बनती है वो बनी थी ज़रुब्बाबेल के दौर में 537 से और 515 में, ठीक है, साइरस बादशाह के दौर में। और उसको जो था ना इंताकिस एपिफिनस बादशाह था, उसने ख़त्म कर दिया था 167 में कबल अज़ मसीह में, 167 कबल अज़ मसीह में। और फिर तीसरी हैकल बनती है, ठीक है, टेक्निकली तीसरी हैकल बन चुकी है। सो तीसरी हैकल हेरोदीस के टाइम में बनी थी और हेरोदीस ने उसकी बड़ी तजनीन और आराइश करवाई थी, उसको एक्सटेंड किया था। जो सुलेमानी बरामदा था ना, उसी तरह के बरामदे थे। सो सुलेमानी बरामदा भी उसी के टाइम में बना था, जिसका जिक्र हमें मिलता है बाइबल मुकदस में। और इसी हैकल में खुदावंद यीशु मसीह ने भी आके तो टाइम गुजारा था और इबादत वगैरह करते थे। और इसको बेसिकली हेरोदीस की हैकल कहा जाता है, हेरोदीस टेम्पल कहा जाता है, हेरोदीसी हैकल कहा जाता है, क्योंकि ये उसने बनाई थी। सो उस लिहाज से टेक्निकली ये चौथी हैकल की तामीर होगी, अगर एंड टाइम्स के हवाले से, जिसको हम एंड टाइम हैकल कह सकते हैं ना, सो ये चौथी होगी। लेकिन मैं इसको थर्ड हैकल के तौर पे ही पूरी वीडियो में करूँगा नामजद, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहे। अच्छा, अब होता क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आए हैं तो उन्होंने अपने मकदिस के लिए भी कहा कि जो है ना मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर सकता हूं। और यहूदी बड़े परेशान थे, कहते 46 साल लग गए इसको बनाने में, इस हैकल को, और तू कहता है कि मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि उसने अपने बदन की बाबत कहा था। सो खुदावंद यीशु मसीह का जो बदन था, हम सब जानते हैं कि वो एक पाक तरीन जगह थी, ठीक है ना, वो मुजस्सम कलमा था और वो भी एक हैकल का दर्जा रखता था। सो चौथी हैकल वो थे, उसके बाद बिल्कुल वही दर्जा उन्होंने हमें दे दिया, क्योंकि हम जब यीशु मसीह के रूह से पैदा हो जाते हैं तो हम भी लिखे हैं कि हम खुदावंद की हैकल बन जाते हैं, हम खुदावंद का मकदिस बन जाते हैं। ग्रंथियों की किताब में हमें इसकी पूरी टीचिंग मिलती है कि तुम खुदावंद का मकदिस हो, खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है, आमीन। और एक जगह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कदस का मकदिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। सो अब क्या है, आज जो हैकल है जमीन पे, जो आज हैकल मौजूद है वो कलीसिया है, वो चर्च है।
ठीक है, और हम सब जिंदा मकदीस हैं खुदावंद का, और जो हैकल का दर्जा था वो आज कलीसिया के पास है, चर्च के पास है, इसके ऊपर कोई दोराहे नहीं है मेरे बहनों भैया। इसके ऊपर सारा चर्च एक अंग है, मुत्तफिक है, चाहे कैथलिक्स हैं, चाहे ऑर्थोडॉक्स हैं, चाहे प्रोटेस्टेंट्स हैं, जितने भी फिरके हैं, वो इस चीज़ पे एग्री हैं कि हम खुदावंद की आज हैकल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम हैकल है तो फिर कैसे तीसरी हैकल कैसे बन सकती है। सो इसका जवाब मेरे बहनों भाई ये कि जो है ना, चूंकि कलाम में इसका जिक्र है इसलिए हमें उसको उस हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है। और इसको जो हैकल का दर्जा है वो हमारे पास आ गया हुआ है, चूंकि खुदावंद का रूह हमारे पास है, लेकिन वो चूंकि एक थर्ड हैकल, थर्ड टेंपल का मकदिस का जिक्र है बाइबल मुकदस में, सो डेफिनेटली वो एक बिल्डिंग के तौर पे, एक निशान के तौर पे जरूर जाहिर होनी है, ठीक है। सो इसके ऊपर मुख्तलिफ आराय, और मैं तो इसका हामी हूँ कि थर्ड टेंपल बनेगी, और लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ आराय यहूदियों में भी और मसीहियों में भी। यहूदियों का एक हल्का ये कहता है कि ऑर्थोडॉक्स को कहते हैं कि तीसरी हैकल की तामीर होगी, जबकि कंजर्वेटिव यहूदी जो है वो ये कहते हैं कि हैकल की तामीर होगी लेकिन जब मसीहा ने आना है, जब उनके मसाया ने आना है जिसका वो वेट कर रहे हैं, तब बनेगी। जबकि तीसरा हल्का है वो ये कहता है कि ये बिल्कुल नहीं बनेगी और ना ही कुर्बानियां होंगी। सो वो इसको बिल्कुल फर्क एंगल से देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ मसीहे हैं उनमें जो है ना इस बात पे मुकम्मल इत्तफाक राय है कि मकदिस जो चूंक जो कुर्बानियों की बात होती थी वो खुदावंद यीशु मसीह में सारी की सारी पूरी हो गई है। अब कुर्बानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह ही एक फाइनल अटोनमेंट जो है, जो कफारा थे, ठीक है, वो उन्होंने दे दिया हर गुनाह का, हर एक चीज़ का, और उसमें हम जब आ जाते हैं तो हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। आमीन, ठीक है। लेकिन मुस्तकबिल की हैकल को हमें कलाम की रोशनी में देखना है कि ये एक बिल्डिंग बननी है, ठीक है, वहां पे यहूदियों ने दोबारा से अपने सेक्रीफाइसेस शुरू करनी है और फिर वहां पे जो है ना मुखालफ मसीह ने आना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने टीचिंग में भी बताया है, जो मत्तीस 24 में लिखा हुआ है, 24:15 में वहां पे वो जिक्र करते हैं कि पस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है, मुकद्दस मुकाम पर खड़ा हुआ देख लो तो पढ़ने वाला समझ ले। तो मुकद्दस मुकाम का जिक्र है और उजाड़ने वाली मकरू चीज का जिक्र है, और फिर दानियल का रेफरेंस दे रहे हैं वो। वो मुकद्दस मुकाम हम सब जानते हैं कि जो अगर कोई जमीनी मुकद्दस मुकाम है तो वो यरूशलेम मुकद्दस शहर है जमीन का, और जो कोई सेहून है, ठीक है, जो माउंट मुराया का मुकाम है जहाँ पे हैकल बनी है, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, ठीक है, और जहां पे पाक तरीन मुकाम था, ठीक है, वही मुकद्दस मुकाम है। सो वहां पे लिखा है कि जब तुम खड़ा देखो, और दानियल की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया माकूफ करेगा, वो यानी कि एक बादशाह ने आना है, ठीक है, जो पीसफुली आएगा, मुखालफ मसीह ही होगा वो, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरू हाथ रखी जाएंगी यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाकया होगी। दानियल 9:27। सो इस तरीके से है। सो दानियल भी उजाड़ने वाली मकरू चीज की बात कर रहा है। फिर दानियल जो है ना 12:11 में जिक्र है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी 1290 दिन होंगे। सो यहाँ पे वो बता रहा है कि दायमी कुर्बानियां होंगी, ठीक है, और इसको लिखा गया रेगुलर डेली बर्नट ऑफरिंग। सो वहां पे कुर्बानियां होंगी, और पीछे जो निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया का जिक्र है, जबिया भी सेक्रीफाइस है इंग्लिश में, ठीक है, और जबिया ये इब्रानी का ही वर्ड है, तकरीबन तलफ्फुज़ इब्रानी ही जबिया अगर हम देखें तो वही है, और हदिया ऑफरिंग है। सो ये कुर्बानियां शुरू होंगी, चढ़ाई जाएंगी और फिर मौकूफ होंगी, और रेगुलर बर्नट ऑफरिंग भी होती रहेगी, और फिर वहां पे लिखा कि उजाड़ने वाली मकरू चीज नसब की जाएगी बकायदा। सो ये उजाड़ने वाली मकरू चीज क्या है? ये वही है जो मुखालफ मसीह ने अपना बुत वहां पे खड़ा करना है कि सारे लोग उसकी इबादत करें, उसके आगे सजदा करें, और उसमें अपनी रूह भी फूंक देगा, उसको जिंदा भी कर देगा, ठीक है। सो बिल्कुल वो बताएगा कि मैं खुदा हूं, बिल्कुल जैसे खुदा ने यीशु मसीह कह लें कि उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही वो इस्तेमाल करके दिखाएगा। और लिखा कि नसब की जाएगी, अब मुकद्दस मुकाम पे डेफिनेटली वो प्रॉपर बिल्डअप होगा उसका, स्टैचू कह ले। और इसका हमें और वाजिया जिक्र मिलता है दूसरा थसलनीकियों के खत में, और वहां पे लिखा है कि क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद,
यानी कि मुखालफ मसीह की बात हो रही है, जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। सो वो अपने आप को बड़ा ठहरा रहा है, खुदा के बराबर गिन रहा है, यहां तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। सो यहां पे लिटरली वो कह रहे हैं कि वो खुदा के मकदिस में बैठेगा। सो उसने वहां पे कब्जा करना है। इसको हम रूहानी मायनों में नहीं ले सकते क्योंकि खुदा का मकदिस अगर हम है तो जो कलीसिया है उसमें जो है ना हम रास्तबाज हैं, हम खुदा के खून खरीदे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर शैतान का गलबा नहीं रहा, अब हम खुदावंत के इख्तियार से काम करते हैं। सो कलीसिया, हाँ कोई जो गुमराही में हो गए हैं या जो वो हट गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर तो उसने कर लिया, लेकिन तमाम कलीसिया पे तो वो नहीं कर सकता क्योंकि मुकम्मल एक कलीसिया जो इंटरनेशनल चर्च है वो है मकदिस है, वो है इमारत असल में, तो सब पे तो कलीसिया का वजूद तो रहना ही रहना है, ठीक है ना। सो इसलिए ये लिटरल सेंस में बात हो रही है और वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा से बड़ा जाहिर करेगा। सो मेरे बहन भाई, इसलिए ये जो है ना हैकल, तीसरी हैकल के बड़े वाजिया रेफरेंसेस हैं और निशान हैं, बातें हैं। सो हमें इसको इसके तनाजर में देखना है, हमें ऑफेंड नहीं होना है कि भाई मकदिस तो हम है तो फिर तीसरी हैकल कैसे बन सकती है। इट इज़ नॉट लाइक डैट। वो उस हैकल का हमने देखना है कि ये इस तनाजर में बननी है, वो मूसवी शरीयत के हिसाब से यहूदियों ने तामीर करनी है, वो एक पीस ट्रीटी होनी है और उसके तहत मामला आगे चलना है। आमीन। और इसका अब आप ये देखेंगे आजकल के जो हालात हैं, 1948 में इसराइल का मुल्क मर्ज वजूद में आ गया, फिर 1967 में तो यरूशलम उनके पास वापस आ गया, जब इसराइल नहीं था, यरूशलम में यहूदी नहीं थे, तो तब ये बहुत बात कही जाती थी कि नहीं इसराइल का वजूद ख़त्म हो गया, अब नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि इवन क्राइस्ट ने खुद भी कहा यरूशलम के लिए कि जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी नहीं हो जाती, यरूशलम गैर कौमों से जो है ना वो होता रहे, पामाल होता रहेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा पेश खेमा है, ठीक है, इसी बात की तरफ डायरेक्ट इशारा है कि तीसरी हैकल जल्द तामीर होगी। और इसराइल में तो कई दहाइयों से इसके ऊपर काम हो रहा है और टेंपल इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जो इसके लिए बनाता है, उन्होंने मनोरा और सारी चीज़ें और लोकेशन और पाक तरीन मुकाम, इवन 3D मॉडल उन्होंने हर एक चीज़, काहिनों के कपड़े, फर्नीचर, उन्होंने हर एक चीज़ तैयार कर ली है बिल्कुल एन शरीयत के हिसाब से, एंड दे आर जस्ट वेटिंग। और सबसे बड़ी बात कि जो जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है और मस्जिद अक्सा है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गैर कौमों का अहाता है, जैसे मुकाशफा में लिखा है ना। सो खुदा ने उधर लिखा है कि एक नापने का आला दिया, और मुकाशफा 11:2 में लिखा है कि और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। सो जहाँ पे डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा है वो गैर कौमों के अहाते में आता है, इनकी जो अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन है और जो नाप है, क्योंकि खुदाई करके जो पाक तरीन मुकाम जो मगरिब में आता था और जो दरवाज़ा था हैकल का जो मशरिक में आता था, ठीक है, उन्होंने वो सारे का सारा देख लिया। सो जो एक तरफ प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है वहाँ पे पूरी की पूरी हैकल तामीर होती है और ये जो हिस्सा है ये गैर कौमों के अहाते में आता है, ठीक है जी। सो इसके ऊपर जो है ना सारी की सारी चीज़ें, अगर आपको मौका मिले आप जाएं, सो आप देख सकते हैं कि जो टेम्पल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सारी की सारी इसकी बड़ी भरपूर तरीके से इसके ऊपर काम हो रही है। और अब मेरे बहनों भाइयों, ये तो बात पक्की है कि मैं अपना ख्याल आपको बता रहा हूँ कि तीसरी हैकल बननी है और हमें इसको इस तनाजर में देखना है। लेकिन उसके अलावा जो हज़ार साल बादशाही का दौर है ना, जब पहली क़यामत हो जाती है मुकाशवा में जैसे लिखा है, और उसके बाद शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, तब एक और हैकल हमें दिखाई देती है, ठीक है, और उस हैकल का अलहदा से जिक्र है, और उस हैकल से हमने तमाम ज़मीन पर हमने जो है ना हुकूमत करनी है, कलीसिया ने, चर्च ने, खुदावंद के जो लोग होंगे। और चूँकि यरूशलम में जोग्राफी तब्दीली आएगी जब खुदावंद यीशु मसीह ने की आमद होनी है ना कोहे जैतून पर, तो ज़करिया की किताब 14 बाब में लिखा हुआ है कि कोहे जैतून जो है वो बीच से फट जाएगा और आधा हिस्सा जो है शुमाल की जानिब और आधा जो है वो जनूब को सिरक जाएगा। सो और हैकल जो है या जो कोहे सेऊन है वो बिल्कुल उसके साथ ही है। सो उसमें काफ़ी जोग्राफी तब्दीली होगी और मोस्ट प्रोबेबली ये जो हैकल तामीर होगी ये भी ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है, लेकिन हमें एक और हैकल का जिक्र हमें मिलता है और वो कहा जाता है कि वो उस दौर में दोबारा तामीर होगी और खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली जो है ना वो चूंकि उस हैकल से उन्होंने हुकूमत करनी है सो इसलिए वो तामीर की जाएगी। और हिजकियल में काफ़ी इसके जिक्र हैं, जैसे एक जगह पर लिखा है कि जब मेरा मकदिस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा तो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल को मुकदस करता हूँ। आमीन। सो इसराइल के खुदा ने हमारे साथ आके रहना है। और फिर हिजकियल की किताब में लिखा है खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है हैकल में दाखिल हुआ। सो खुदावंद का जलाल अपने जलाल के साथ खुदावंद ने हमारे साथ रहना है। आमीन। और हिजकियल अगर हम देखना 40 बाब से 47 बाब तक तो ये सारा इन बातों का जिक्र हमें मिलता है। और ये जो हैकल होगी यहाँ पे जो है ना 1000 साल तक हमने खुदावंद के साथ बादशाही करनी है। और इस हैकल की एक और जो मज़ेदार बात है ना वो ये है कि यहाँ पे चिरागदान भी नहीं है, यहाँ पे अहद का संदूक भी नहीं है, फिर यहाँ पे नज़र की मेज़ की जो है ना मेज़ भी नहीं है, रोटियों की मेज़ जो थी, और फिर उसके अलावा जो पर्दा था हैकल का वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मज़बा मौजूद है। सो इसको जो है ना और इसकी बाकायदा डिज़ाइन है, पमाइश है, हर एक चीज़ बड़ी नाप के साथ खुदावंद ने बताई है, जैसे मूसा को दिखाई थी और बताई थी ना सारी खैमा इज्तिमा के वाले से और चीज़ें जितनी थी, सो वैसे ही नमूना और हर एक चीज़ बयान उसका हमें मिलता है। सो इट्स गोइंग टू बी लिटरली, इसको हम रूहानी मायनों में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1000 साल बादशाही में होना है, ठीक है, सो हम तो खुदावंद के ऑलरेडी साथ हैं, सो इसलिए हमें इसको रूहानी मायनों में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लेकिन ये लिटरल होगी और इसीलिए खुदावंद ने इसका नमूना दिखाया, इसकी पमाइश है, दरवाज़ों की, खिड़कियों की, जो है दीवारों की और हर एक चीज़ की, क्योंकि जैसे चिराग है, चिरागदान नहीं है, सो खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर था वो खुद हमारे साथ है और उसके जलाल में हम हैं, ठीक है, सो इसलिए उस चिरागदान की ज़रूरत ही नहीं रही। वो चिरागदान कलाम को ही रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, मनोरा जो था वो यीशु मसीह की प्रेजेंटेशन थी उधर, ठीक है, तो जब अब खुदा यीशु मसीह खुद हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं रही। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि जो अहद का संदूक था, ठीक है, सो अहद का संदूक भी खुदा यीशु मसीह ही हैं बजाते खुद, क्योंकि उसने शरीयत को कामिल कर दिया, पूरा कर दिया आके, और अपने खून से दूसरे अहद की बुनियाद रखी। सो वो दोनों अहद खुदावंद यीशु मसीह में तो पूरे होते हैं, सो वो दोनों अहद का जो खालिक और मालिक है वो मौजूद है, तो इसलिए हमें अहद के संदूक की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई देती। आमीन। और जो पर्दा है वो भी नहीं है, वो भी इसीलिए कि जो दरमियानी था वो तो हर एक चीज़ तो उसने हमारा खुदा बाप से मिलाप करा दिया, सो इसलिए वो पर्दा भी जो था ना उसकी भी अब ज़रूरत ही नहीं रही, अब हम डायरेक्ट खुदावंद के साथ शराकत में हैं। हालेलुया। आमीन। और फिर चौथी चीज़ जो थी वो थी नज़र की रोटियों की मेज़, ठीक है, सो जो कम्युनियन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हमें जो ज़िंदगी की रोटी है, जो आसमान की रोटी है, वो हमारे साथ है, सो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम अब कम्युनियन में, हम तो डायरेक्ट खुदावंद के रूबरू हैं, पहले अक्स देखते थे हम, लेकिन अब तो हम खुदावंद असल रूबरू देख रहे हैं उसको। आमीन। अच्छा, लेकिन जो मज़बा है वो इसके ऊपर बड़ा सवाल है कि मज़बा मौजूद है और मज़बा कुर्बानियों को जाहिर करता है, ठीक है जी, मज़बा जो जैसे अभी हमने देखा भी है इसमें, ठीक है, सो वहाँ पे कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, बर्ट ऑफरिंग, डेली ऑफरिंग्स होती थी, सो वो क्यों है? और इसका जो जवाब है ना वो ये है कि 1000 साला दौर जो है, चूंकि 1000 साल लिटरली हमने खुदा उनके साथ इस ज़मीन पर हुकूमत करनी है, तो वहाँ पे हमारे साथ जो है ना कुछ ऐसे लोग भी होने हैं जो छोटी एज से बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जिनको अभी इतनी समझ अक्ल नहीं थी, ठीक है, सो उनके लिए जो कुर्बानी का मुकाशफा है ना वो बहुत बड़ा मुकाशफा है। खुदावन जो इस ज़मीन पे आया और जो कुर्बानी दी ना, सलीब की कुर्बानी, वो बहुत बड़ा मुकाम, वो खाली दुनिया के लोगों के लिए, वो जहान के लिए है, और इसीलिए जो लोग अभी बड़े हो रहे हैं, ठीक है, उनको वो बताया जाएगा। जैसे आज हम बैक को देखते हैं कि 2000 साल पहले ये हुआ था, ठीक है, सो हम मसीह खुदावन पर ईमान लेके आते हैं, जो बाप इब्राहिम थे वो भी ईमान लेकर आए थे, ठीक है, और जैसे यीशु मसीह ने कहा बाप पर ईमान रखते मुझ पर भी ईमान रखो, सो बिल्कुल वो भी लिटरली उन्होंने ईमान से रास्बास ठहरे थे, सो वो भी खुदावन यीशु मसीह को ही देखते थे, ठीक है, और हम भी आज खुदावन यीशु मसीह को ही देखते हैं, इसलिए जो उस वक्त के लोग होंगे जो बढ़ रहे होंगे समझ में, कदोकामत में, ठीक है, सो उनके लिए भी यही चीज़ होगी ताकि वो सीख सकें, और उस घर का एक कानून होगा, वहाँ पर हमारी तैयारी होनी है,
ठीक है, जो हमने नए आसमान और नई जमीन की बादशाहत में जाना ना, ठीक है, वहां पे एक्चुअली मकदस नहीं होगा। सो हमें उसकी तैयारी कराई जा रही है। और जकरिया की किताब में लिखा हुआ, और यरूशलम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल फाज को सजदा करने और ईद ख्याम मनाने को आएंगे। तो जो यरूशलम से बाहर जो होंगी, जो कौमें होंगी, ठीक है, वो जो है ना यरूशलम में आया करेंगी ईद ख्याम मनाने के लिए। और अगर वो नहीं करेगी तो सुने, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फाज के हजूर सजदा करने को यरूशलम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा, सो उनके ऊपर बारिश नहीं हुआ करेगी उनके मुल्कों पर। सो दे हैव टू कम, और वो हदीये और नजराने जो है ना आके गुजारा करेंगे। और फिर हिस्केल नबी बताते हैं कि आए आदमजात, तू बनी इसराइल को ये घर दिखा ताकि वो अपनी बदकरदारी से शर्मिंदा हो जाए और इस नमूना को नापें। इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसकी गिरदा गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है, ठीक है। सो उस घर के कुछ आइन है, लॉज हैं, ठीक है, जिनको हमें सीखना है, और खुदावंद यीशु मसीह वो हमें बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरीके से हमने पाकीजगी और मुकद्दस, उसकी शायान शान हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि जो आसमानी मुकाम है, ठीक है ना, वहां पे लिखा है कि खुदा बाप लिखा है रब्बुल फौज, ठीक है, और बर्रा जो है ना वो उसका मकदिस होंगे। वहां पे किसी मकदिस की जरूरत नहीं है। यह है मुकाशफा की किताब में इसका जिक्र है, और के जो है ना रब्बुल फौज और जो बर्रा है वो उसका मकदिस होंगे, ठीक है। सो वहां पे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हजार साल बादशाही में हैकल है, और उस हैकल में से हम जो है ना वो बादशाही करेंगे। सो मेरे बहनों भाइयों, इस सारी चीज का मकसद ये है कि हमें जो है ना आज के दौर में हैकल की तामीर को कलाम की रोशनी में देखना है, पहली बात, क्योंकि ये आखिरी वक्तों में से कह लें कि उसके एक निशानों में से एक निशान है, एक इवेंट है जहां पे वो होने हैं। लेकिन असल में हम ही खुदावंद का मकदिस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई दोराहे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे से कहा गया कि आए कि तुम आए भाइयों, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन तुम के वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम नूर के फर्जंद हो और जिंदगी के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, पस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। आमीन। सो हमें इसीलिए विजिटेंट रहने का कहा गया कि हमें तो हर एक चीज बता दी गई है। सो इसलिए हमें देखते रहना है और अवेयर रहना है, विजिलेंट रहना है, होशियार रहना है कि क्या चल रहा है। और ख़ास तौर पे जो इसराइल है, जो यरूशलम है, जो यहूदी हैं, हमने इनको बहुत क्लोजली देखना है, ठीक है, और इनके लिए बरकत की दुआ भी मांगनी है, क्योंकि इन्होंने भी वापस आना है, ठीक है, और हमने इनके संग ही बादशाही करनी है। ये कोई हमारे से अलहदा नहीं है, बल्कि जिस जैतून के दरख्त की पालूस रसूल बात करते हैं, ठीक है, वो वही हकीकी दरख्त है जो इसराइल की, वो वही यसी के तने की कोम्पल है और उसकी बारावर शाख है, ठीक है। सो हम उसी में जाके पेवस्त होते हैं, हम जितने ईमान ले आते हैं, ठीक है, हम उसमें पेवस्त होते हैं, हम इसराइल के घराने का हिस्सा बनते हैं। आमीन। और हमें इसराइल के लिए और सारी चर्च के साथ साथ है यहूदियों के लिए भी, इस तमाम इसराइलियों के लिए भी बरकत की दुआ मांगनी है। और हमारा जो एक मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मकसद है वो भी यही है कि हमारे चैनल का नाम है हाउस ऑफ इसराइल। सो हम इसराइल को एक घराने के तौर पे देखते हैं, उसमें मसीही भी हैं, उसमें इसराइली भी हैं, जो जो शामिल होता जाएगा गैर कौम से वो भी आ जाता है। सो हम इसराइल का घराना बनते हैं, जिसको हम कलीसिया भी कह सकते हैं। आमीन। सो प्लीज ज्वाइन अस एट आवर यूट्यूब चैनल, और हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन करें, ताकि कलीसिया की आवाज़ को यरूशलम के दरवाजे पाकिस्तानी क्रिश्चियन के लिए खोलने के लिए जो है ना कलीसिया की आवाज़ मजबूत हो सके, और हम इस काम को भी पूरा कर सकें। क्योंकि हजार साल बादशाही में भी हमने वहां पे जाना है, सो व्हाई नॉट नाउ, अभी भी हम जा सकते हैं। वहां पे हम बाइबल को हम लाइव देख सकते हैं, जैसे हमें हमारे बदनों को हैकल का दर्जा मिला, वैसे यरूशलम को जो मुकद्दस शहर का दर्जा मिला है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आमीन।